जय श्री राम मित्रों, दीपक में जो फूल बनता है उस फूल का क्या करें, ऐसे प्रश्न हमें बार बार आ रहे हैं कि हमारे भी दीपक में फूल बनता है परंतु उस फूल का क्या करें। अलग अलग प्रकार की आकृतियां बनती हैं लेकिन उन आकृतियों का हम क्या करें, क्या हो सकता है उन बनने वाले दीपक के फूल का। तो बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम ऐसी ही जानकारी से संबंधित आपके लिए पूरी शास्त्रोक्त जानकारी जुटा करके उपलब्ध हुए हैं। हम आपको आज की वीडियो में ये जानकारी देंगे कि दीपक में जो फूल बनता है, चाहे वह एक पंखुड़ी का हो, 10 पंखुड़ी का हो, 20 पंखुड़ी का हो, गुलाब हो बने या कमल का फूल बने, त्रिशूल बने या डमरू बने या कोई भी आकृति जो बनी है जिसे हम दीपक में बनने वाला फूल ही कहते हैं, यदि वह आकृति बनती है तो उस आकृति का क्या संकेत है, क्यों आपके दीपक में फूल बन रहा है या उन आकृतियों से कौन कौन से देवता आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, ये सभी वीडियो हम अपने चैनल पर पहले डाल चुके हैं और अन्य अलग अलग पार्ट बना करके उसके डालते रहते हैं। परंतु दीपक में यदि फूल बनता है और उस फूल से हम क्या लाभ उठा सकते हैं, उस फूल का क्या कर सकते हैं, उसके लिए आज हम ये वीडियो लेकर आए हैं। तो दीपक की ज्योत में जो फूल बन रहा है, ज्योति में जो फूल की आकृति बनती है, उसका क्या करें। तो दीपक के अंदर बनने वाले फूल से आप बहुत बड़े बड़े लाभ प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि वह अन्य वीडियो में हम बता चुके हैं कि दीपक में जब फूल बनता है वह साक्षात भगवान आपके आराध्य देव इष्ट देव की प्रागट्य की अनुभूति होती है, वह आपको अपनी उपस्थिति का संकेत दे रहे होते हैं। और जब दीपक के फूल में आकर के वो स्वयं साक्षात रूप से आपको वरदान देने आते हैं, आपकी मनोकामनाओं को पूर्ति के लिए प्रकट होते हैं, तो वह बना हुआ फूल आपके बहुत सारे कामों को बना सकता है, जिसकी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। जब आपका वह फूल ज्योति के अंदर बनता है और पूरी की पूरी ज्योत समाप्ति के बाद भी बना रह जाता है, तो आपको क्या करना है, आप एक डिब्बी लीजिए, स्टील की डिब्बी या पारदर्शी यदि प्लास्टिक की मिलती है तो वह ले लीजिए और उसमें चमेली का तेल डाल लीजिए। चमेली का तेल नहीं है तो आप तिल का तेल ले सकते हैं, देसी घी भी ले सकते हैं, गाय का घी भी ले सकते हैं, और इनमें अपने दीपक का वह भाग जो फूल के रूप में आखिर में बच जाता है उसे उठा करके उस तेल में रख लीजिए, उस डिब्बी में रख लीजिए और उसे इकट्ठा करते रहिए। जब भी आपके दीपक में कोई फूल बनता है तो उसे एकत्रित करें उसी चमेली के तेल के डिब्बी में या तिल के तेल में। और यदि आप चाहते हैं कि आपकी कोई इच्छा या मनोकामना पूर्ति चाहते हैं तो लगातार 41 दिन तक उसी तेल का या उस घी का जिसमें आपने वो सभी दीपक में बनने वाले फूल रखे हैं तो उसका तिलक अपने मस्तक पर लगाते रहें। यदि 41 दिन तक आप यह प्रयोग करते हैं तो आपकी मनोकामना सिद्धि अवश्य होती है। दूसरा कि यदि आप उस घी या तेल में जिसमें आपने उन सभी दीपक में बनने वाले फूल को एकत्रित किया है, यदि शरीर में कहीं पर भी दर्द होता है और वह दर्द ज्यादा आपको परेशान कर रहा है और असहनीय पीड़ा हो रही है और डॉक्टरी इलाज से भी ठीक नहीं हो रही है, तो आप 41 दिन तक लगातार उस तेल का उंगली पर थोड़ा सा लगा करके उस हिस्से पर लगाएं जहां पर आपको दर्द हो रहा है, तो आपका दर्द छूमंतर हो जाएगा। आप अपने इष्ट देव का 11 बार मंत्र जाप करके, जो आपके गुरु ने आपको प्रदान किया है या जो जिस भी भगवान को आप मानते हैं उनका 11 बार नाम लेकर यदि अपने उस दुख दर्द के स्थान पर लगाते हैं या किसी रोगी व्यक्ति पर भी लगाते हैं अपने घर परिवार में, तो उसके रोग का भी शमन होना आरंभ हो जाता है। तो यह आपको तीसरा उपाय बता दिया। चौथा उपाय, ज्योति में जो फूल बनता है उससे यदि आपके परिवार में किसी की बुद्धि का बंधन कर दिया गया है तो उसकी बुद्धि जो ये चोटी के नीचे बताई जाती है, यहां पर चोटी के स्थान पर उसे तिलक किया जाए, तो तिलक करने से बार बार
उसकी बुद्धि का जो बंधन है वह नष्ट हो जाएगा और उसका मस्तिष्क अच्छे प्रकार से कार्य करने लगेगा। पांचवा उपाय जो आप लाभ ले सकते हैं, पांचवा लाभ, यदि किसी व्यक्ति पर तंत्र की मार की गई है तो उस तंत्र की मार को काटने के लिए उस तेल का आप उसे तिलक कर सकते हैं या उसके मस्तक पर ओम बनाएं उस तेल से, जिस तेल में आपने या जिस घी में उन दीपक के फूलों को इकट्ठा किया। छठा लाभ जो आप ले सकते हैं, यदि किसी पर मंत्र किया गया है और मंत्र से उसकी बुद्धि को फिरा दिया गया है तो मंत्र की काट करने के लिए भी आप उसके मस्तक पर स्वस्तिक बनाएं उसी तेल से, तो लगातार 11 बार 11 दिन तक इस प्रकार लगातार करने से उस पर किए गए मंत्रों का जो दुष्प्रभाव था वह खत्म हो जाएगा। सातवां, यदि किसी को बुरी नजर का साया लगा है, बुरी नजर के साय से वह बहुत ज्यादा क्लेशमय हो चुका है, तो उसे भी यदि आप स्वस्तिक बनाते हैं उसी तेल से, जिस तेल में फूल के बनी हुई उन दीपक के अंदर बने हुए फूलों की आकृतियां इकट्ठी की हैं आपने, तो उस तेल के द्वारा यदि आप स्वस्तिक बनाते हैं उनके मस्तक पर या ओम का लेखन करते हैं लगातार 11 दिन या 21 दिन या 41 दिन, तो उससे भी उनके ऊपर से बुरी नज़र का वह प्रभाव हमेशा के लिए हट सकता है। अगला, यदि आप इंटरव्यू में जाते हैं और आपको सफलता कम मिलती है तो अब अगली बार जब भी आप इंटरव्यू पर जाएं तो उस तेल का तिलक लगा करके मस्तक पर तभी घर से निकलें तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। नौवा, यदि आपकी प्रेमिका आपसे या आपकी पत्नी आपसे रुष्ट रहती हैं या कई बार लड़ाई झगड़े हो चुके हैं तो यदि आप इस तेल का या इस घी का तिलक करके उनके सामने जाएंगे तो वह आपके साथ उतने ज़्यादा क्लेश से बात नहीं करेंगी और आपके साथ उनके प्रणय प्रेम संबंध प्रगाढ़ होते चले जाएंगे और जो बार बार बात बात पर लड़ाई झगड़े होते थे वह भी कम होने शुरू हो जाएंगे। यदि आपके घर में कोई बच्चा है या कोई ऐसा पढ़ने वाला विद्यार्थी है जिसका पढ़ाई में मन कम लगता है तो उसको भी यदि आप इस तेल से तिलक कर देते हैं तो आपको यह 10वां फायदा यही होने वाला है कि वह बच्चा पढ़ाई में भी मन लगाकर पढ़ेगा और जल्द से जल्द आपको कोई ना कोई खुशखबरी देगा कि वह कक्षा में फर्स्ट आने लग गया है। ऐसे अनेक लाभ हैं, बहुत जगहों पर अनुभवी व्यक्ति अपने अनुभव के आधार पर बार बार उसका उपयोग कर सकते हैं। आध्यात्मिक 11वां जो लाभ है, आपकी आध्यात्मिक ऊंचाइयाँ यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं, अपनी दिव्य दृष्टि अपनी आज्ञा चक्र को खोलना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप प्रतिदिन यदि तिलक करते हैं उसी तेल का या घी का जिसमें आपने दीपक में बनने वाले उन फूलों को एकत्रित किया है तो आपको आध्यात्मिक उन्नतियां भी प्राप्त होनी आरंभ हो जाती हैं। तो ऐसे बहुत सारे रोचक जानकारियां जो आपके आध्यात्मिक ऊंचाइयों को प्राप्त करवाएंगी हमारे बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर हम आपके लिए लाते रहते हैं शास्त्रोक्त सरल से सरल विधियां। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें, जय हनुमान लिखें, जय माता की लिखें और अपने इष्ट देव का भी जयकार आप लगा सकते हैं। हमारी इंस्टा आईडी है जो कि बाबा का आशीर्वाद के नाम से है, उस पर भी आप अपनी समस्याएं भेज सकते हैं। अगली वीडियो में आपको उसका समाधान अवश्य प्राप्त होगा। जय श्री राम।